हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए मीशो एथनिक वियर हॉल। सो फ्रेंड्स, आज के इस हॉल में मैं आपको वैसे तो 5 प्रोडक्ट दिखाने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली 2 प्रोडक्ट इतने ज्यादा डैमेज आए थे, इतना मतलब रॉन्ग प्रोडक्ट उन्होंने भेज दिया था, मैं इस वीडियो में आपको दिखा भी नहीं सकती थी। मतलब मैंने एथनिक वियर ही ऑर्डर किया था, बट उन्होंने बिल्कुल एक कपड़ा सा भेज दिया था, बिल्कुल वो भी इतना गंदा कि मुझे नहीं लगा मैं आप लोगों के साथ से शेयर करूं। बहुत ज्यादा डर्टी एक क्लोथ उन्होंने जस्ट रैप करके भेज दिया था, मुझे वो भी नहीं पता कि वो सूट था, टॉप था, या एक ऐसे कपड़ा था, स्टॉल था, क्या था, दोनों ऑर्डर में सेम चीजें थी। सो फ्रेंड्स, उसके अलावा जो 3 प्रोडक्ट मेरे पास बचे हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ, वो एकदम बेस्ट है। यू नो, कुछ प्रोडक्ट हम ट्राई कर लेते हैं कि नहीं यार ये किसी ने बाय नहीं किया है, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। तो दोनों प्रोडक्ट कुछ ऐसे ही थे, किसी ने ट्राई नहीं किया था। तो फ्रेंड्स, मुझे लगा कि मुझे अगर वो प्रोडक्ट अच्छे रिसीव हुए तो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूंगी, बट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी सब कुछ कि कैसा प्रोडक्ट था, क्या था, बाकी डिटेल्स अगर हो पाया मेरे पास, मेरे ही डिटेल्स तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। बट वो ऐसे प्रोडक्ट है ही नहीं कि आप बिल्कुल भी मतलब मैं 1% भी रिकमेंड करूं, तो बिल्कुल मत परचेस कीजिए, तो समझ के परचेस कीजिए मीशो से। तो भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कोशिश कीजिए वही ऑर्डर आप लें जो कस्टमर ले चुके हैं, जिनकी रियल इमेज उसमें मेंशन है। एंड फ्रेंड्स, यू ऑल नो वेरी वेल कि मीशो एक इंडियन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, जिसमें आपको मेंस वियर, वुमन वियर, किड्स वियर एंड होम डेकोर, किचन से रिलेटेड सामान, आपको आपके बाथरूम से रिलेटेड सामान, सब कुछ, और आपके डेली यूज के जो भी चीजें होती हैं, और इनफैक्ट मेकअप, स्किन केयर, सभी कुछ इसमें बहुत अच्छे प्राइस में अवेलेबल रहता है। बट यू नो, काफी टाइम मेरी तरह आप लोगों ने भी फेस किया होगा, अगर आप भी मीशो से शॉपिंग करते रहते हैं, कि कभी कभी उसने कुछ प्रोडक्ट ऐसे मतलब अनएक्सपेक्टेड बोल सकते हैं आप, ऐसे प्रोडक्ट आ जाते हैं, तो मैं तो बिल्कुल तो बहुत ज्यादा सोच समझ के मीशो से शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि एज अ यूट्यूबर मैं सोचती हूँ कि आपके साथ कुछ शेयर किया जाए, कुछ ऐसा आया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा है उस प्राइस में, तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो बस ये 3 प्रोडक्ट अब वही बचे हैं, 2 प्रोडक्ट तो बस कैंसिल हो चुके हैं इस हॉल से, तो वो मैं रिटर्न कर चुकी हूँ, एंड उसका मुझे अमाउंट भी बैक आ चुका है। एंड फ्रेंड्स, जब भी आप ऑर्डर प्लेस करें, 2 ऑप्शन आते हैं रिटर्न के, एक होता है कम अमाउंट का, जिसमें आप केवल 2 सिचुएशन में ही रिटर्न कर सकते हैं, या तो आपको डैमेज है या डिफेक्टिव है, ओनली 2 सिचुएशन है उसमें। बट एक जो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लिटिल बिट कॉस्टली, नॉट दैट मच, ओनली 20-25 रुपीज कॉस्टली होता है, एंड उस सिचुएशन में उसमें आप किसी भी सिचुएशन में उसे रिटर्न कर सकते हैं, आपका अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो वो वाला ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा बेस्ट है, अगर आपके 20 रुपए का लॉस हुआ है, दैट इज मच बेटर देन 400-500-600 या जो भी अमाउंट है, वो आप मतलब एक तरह से बर्बाद चला जाए, आपका वेस्ट चला जाए, उससे बेटर है थोड़ा सा महंगा ऑर्डर प्लेस कीजिए, और मतलब इस चीज से बचिए कि आपका रिटर्न होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए मैं भी डर गई थी, वो पीस देख के इतना गंदा, इतना 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 उसमें स्टेन लगे हुए थे, मुझे लगा शायद ये रिटर्न नहीं हुआ, तो बट अच्छा हुआ कि मैंने थोड़ा सा महंगा वाला ही सिलेक्ट किया था, तो वो मेरा इजिली रिटर्न हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसके लिए थैंक्स टू मीशो, एंड सो विदाउट हे एंड देयर लेट्स गेट स्टार्ट। तो आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जो भी बाकी रेस्ट प्रोडक्ट हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही जेन्युइन है, मुझे तीनों ही प्रोडक्ट काफी पसंद आए हैं। इमेज, क्लिप सब कुछ स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ विद प्राइस, तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, सभी के आपको प्रोडक्ट कोड भी वहां पे मेंशन कर दूंगी मैं, वहां से आप इजीली बाय कर सकते हैं, क्योंकि मीशो में लिंक वर्क नहीं करते हैं, तो इसलिए मीशो में आपको केवल प्रोडक्ट कोड डाल के ही ऊपर सर्च करना होता है। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 3 प्रोडक्ट मंगाए हैं, आपको दिखाती हूँ 1 by 1। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं दिखाने वाली हूँ आपको चिकनकारी कुर्ता, एक इस तरह की आपको उसमें लाइनिंग मिल जाएगी, बट ये बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट टाइप है, इसके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ कैरी करना पड़ेगा, अदरवाइज शो ही हो जाएगा ये। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, अगर आप भी परचेस करना चाहते हैं, तो इसके अंदर कोई आपको सेम कलर का कुछ मतलब स्पैंडिंग वगैरह कैरी करें, एंड देन इसे कैरी करें, एंड देन उसके बाद आप अपना कुर्ता कैरी कीजिएगा। फ्रेंड्स, बहुत प्यारा है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा लुक आया, मुझे बहुत पसंद आया है ये कुर्ता, दिस इज अ बूटा जाल कुर्ता। एंड गाइस, मैंने इसका जो प्राइस पे किया है 572 रुपीज पे किया है, एंड ये 6 कलर में अवेलेबल है। इसके अलावा
काफी अदर सेलर का है तो उसमें भी आपको काफी कलर्स मिल जाएंगे इजिली और काफी अच्छी इसकी लेंथ है। मुझे लेंथ काफी अच्छी लगी और मुझे लॉन्ग कुर्ती ही पसंद है, शॉर्ट मुझे अच्छी नहीं लगती है तो मुझे लॉन्ग ही पसंद है, तो लेंथ काफी अच्छी है। स्लीव्स 3/4 एंड नॉट कम्प्लीटली फुल स्लीव नहीं है ये, एंड काफी अच्छा है। इसका जो जाल वर्क है, चिकनकारी वर्क है, काफी अच्छा है और इसका जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट है और इसमें जो लाइनिंग मिलेगी वो आपको कॉटन फैब्रिक की मिलेगी। एंड नेक आप देख सकते हैं राउंड है एंड आगे से इस तरह का एक कट लगा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको पास से दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं पास से, काफी अच्छा वर्क है, काफी अच्छा लुक आया है इसका, तो मुझे ये पीस बहुत अच्छा लगा है। साइज आपको इसमें M2XXL तक इजिली अवेलेबल हो जाएगा एंड ये मैंने M साइज बाय किया है। एंड जर्नली मैं कोई अगर ब्रांड कैरी करती हूँ तो 36 कैरी करती हूँ, वो मेरे काफी लूज होता है, बट ये 38 मंगाने के बावजूद थोड़ा सा टाइट है। तो फ्रेंड्स मैं सजेशन दूंगी अगर आप भी 36 प्रेफर करते हैं तो आप एटलीस्ट 38 से एक साइज और ऊपर मंगाइएगा, क्योंकि ये मुझे अभी भी थोड़ा सा बस से थोड़ा सा टाइट फील हो रहा है, क्योंकि मैं ज्यादा टाइट सूट या कुर्ती नहीं कैरी करती हूँ तो मुझे ये थोड़ा टाइट फील हुआ है। काफी अच्छा है, लुक शेयर कर रही हूँ, देख लीजिएगा इस पिन पे। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट पीस जो मैं दिखाने वाली हूँ ये सेम आपको फ्लिपकार्ट में दिख जाएगा, मिंत्रा में दिख जाएगा एंड मुझे मीशो में भी मिला। मैंने ये इसीलिए बाय किया क्योंकि उसमें काफी कॉस्टली था और मेरा इस सूट को लेके काफी पहले से मन था कि मैं इसे ट्राई करूं एंड नाउ एट द लास्ट मुझे मीशो में मिला। सो दिस इज अ गोश्री येलो कॉटन ब्लेंड फ्लोरल प्रिंट कुर्ता बॉटम विद दुपट्टा, इसमें आपको तीन पीस सेट मिला है तो बहुत अच्छा है ये भी एंड सिंगल कलर ही इसमें अवेलेबल है, कलर ऑप्शन नहीं होंगे आपके पास। साइज इसमें आपको S2XXL तक इजीली मिल जाएगा एंड इसका जो प्राइस है वो 654 रुपीज है एंड इसका जो फैब्रिक है दिस इज अ कॉटन ब्लेंड, काफी अच्छा है, कंफर्टेबल है, समर्स के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा इजी है, कंफर्टेबल है इसे कैरी करना। सो गाइस इसका लुक आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो इस तरह का एक वाइट कलर का आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क के साथ एक दुपट्टा मिलने वाला है, काफी प्यारा लग रहा है ये दुपट्टा और वाइट आपका किसी भी सूट के साथ जाएगा, इनफैक्ट इसके साथ भी आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, तो मुझे काफी अच्छा लगा। मैं आपको पहले ही बता दूं ये काफी लेंथी दुपट्टा नहीं है, शॉर्ट है, बट आप अगर सिंगल इस वन साइडेड कैरी करेंगे उसके लिए काफी अच्छा है, बेस्ट है। आप देख सकते हैं इसकी इतनी इस तरह से वेट है एंड लेंथ भी काफी ठीक है, नॉट दैट मच, बट इतनी छोटी भी नहीं है कि आप इसे परचेस ना करें, इतनी छोटी भी नहीं है और साइड में इस तरह का सिंपली लेस लगी हुई है, आप देख सकते हैं अच्छी खासी लेंथ है दुपट्टे की। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी अगर आप भी बाय करना चाहते हैं, मैं काफी टाइम से इसे बाय करने की सोच रही थी बट अब मैंने ये बाय किया है तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, इसकी कुर्ती बहुत अमेजिंग है। अगर ये इस प्राइस में भी 654 रुपीज है, मुझे नहीं लगता इस क्वालिटी में कुर्ती आपको इजिली अवेलेबल रहेगी, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, प्रॉपर लेंथ है, आप देख सकते हैं 3/4 इसके स्लीव है फ्रंट से ये एकदम क्लोज एंड फ्रंट से बिल्कुल क्लोज नेक है, आप देख सकते हैं कलर भी कितना प्यारा लग रहा है, तो मुझे ये काफी पसंद आया है, इसे मैं डेफिनेटली रखने वाली हूँ। एंड इसमें इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है, आप देख सकते हैं पास से व्हाइट और गोल्डन कलर की, जो बहुत ज्यादा एंटीक लग रही है, डिसेंट लग रही है, तो बहुत प्यारी लग रही है ये एम्ब्रॉयडरी। एंड फ्रंट में इस तरह का टिच बटन मिलेगा जिसे आप इजिली इसे स्टिच कर सकते हैं। लेंथ आप देखिए प्रॉपर लेंथ है, मुझे इसकी लेंथ काफी पसंद आई है, अगेन मैं बता देती हूँ आपको लॉन्ग कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड इसके अगर बॉटम वियर की बात करूं तो बॉटम वियर भी मुझे पहली बार किसी ऑनलाइन अगर मैंने कोई मतलब कुर्ता सेट मंगाया उसका बॉटम वियर इतना ज्यादा कंफर्टेबल लगा है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। फ्रंट से इस तरह का आपको स्ट्रैप मिलेगी एंड बैक से इस तरह की इलास्टिक मिलेगी, तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, विद पॉकेट है, वन साइडेड पॉकेट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये पीस एंड मुझे ये कलर भी स्पेशली लाइन कलर है, मुझे ये पसंद है लाइन कलर, दिस वन इज माई फेवरेट और मुझे काफी अच्छा लगता है, पता नहीं किसी दूसरे को कैसा लगता है बट मुझे तो अपने पे बहुत ज्यादा पसंद है। सो अब देखते हैं लास्ट मैंने कौन सा पीस ऑर्डर करा है। सो
फ्रेंड्स अगेन आपको बताती हूँ, अगर मैं कुछ बाय करूँ और उसमें ब्लैक कलर का कुछ आउटफिट या टॉप कुछ भी हो, ए टू जेड वो ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट मैंने एक ब्लैक कलर का कुर्ता सेट लिया है, बहुत प्यारा है। दिस इज अ अट्रैक्टिव वुमन ब्लैक कुर्ती पैंट। इसका जो फैब्रिक है रेयन है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। एंड इसका प्राइस है ओनली 374 रुपीज। 374 रुपीज में इतनी अमेजिंग डील मुझे नहीं लगता मिलने वाली है कहीं और। एंड ये आपको साइज XS to XXL तक इजिली अवेलेबल हो जाएगा। फैब्रिक इसका रेयन है, इसमें आपको और भी कलर ऑप्शन मिल जाएंगे क्योंकि रेयन फैब्रिक आपका समर में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है। देख सकते हैं साइड में इस तरह से गोटा पट्टी लगी हुई है और सिंपली एक स्टेप सूट है और इसके साथ आपको कोई स्लीव्स नहीं मिलेंगे। मैंने 38 ही साइज लिया है विच इज एम। एंड इसका जो पैंट है ये भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, पूरी ही इसमें इलास्टिक लगी है एंड नीचे इसमें भी गोटा पट्टी का इस तरह का मिल जाएगा आपको और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। समर के लिए बहुत अच्छा लगता है इस तरह का लाइट और मतलब कंफर्टेबल वियर। तो फ्रेंड्स फैन ऑफ है, एसी ऑफ है क्योंकि शूट करते टाइम अगर आप फोन से शूट कर रहे हैं, नॉर्मली आपके पास बहुत अच्छा कैमरा नहीं है तो बहुत ज्यादा नॉइज आती है। आपने देखा होगा मेरी प्रीवियस वीडियो में जो फर्स्ट ट्राई हॉल मैंने शेयर किया था उसमें मेरा फैन ऑन रह गया था और बहुत ज्यादा उसमें नॉइज आ रहा था, तो इस वजह से फैन भी बंद है और इतनी गर्मी में एसी भी बंद है, कूलर भी नहीं है, कुछ भी नहीं चला रखा है तो गर्मी लग रही है। तो ये आज का हॉल मैं यहीं फिनिश करती हूँ, नेक्स्ट आपके लिए जरूर लेके आऊंगी मीशो से ही। अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, आप जब भी मीशो से ही शॉपिंग करते हैं तो जब भी रिटर्न का ऑप्शन आता है ना तो थोड़ा हाई प्राइस वाला ही डालिए ताकि आपके जो ज्यादा मनी है वो वेस्ट ना जाए, 20-30 रुपए चले जाएंगे, इट्स ओके। अगर आपको कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं मतलब इतना ज्यादा लॉस तो ना हो, वैल्यू 20-30 की भी है आई नो, बट मैं स्पेशली आपको रिकमेंड करूंगी क्योंकि जब हमारे साथ होता है ना तो हमें इतना बुरा लगता है, मतलब यार पैसे देके भी इस तरह का सामान आता है, दैट इज नॉट गुड। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको काफी पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेके आती रहूंगी ऐसी ही वीडियो जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया एंड मेकअप वीडियो भी मैं लेके आती हूँ, कोशिश करती हूँ कुछ नया ट्राई करने की। आई डोंट नो आपको कैसे लगती है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के बाद। एंड मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।